बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। आज स्किन डीप की प्रोडक्ट लेकर आई हूँ। इनकी एक पूरी फेशियल किट है जो कि बिग साइज़ में भी है और मिनी साइज़ में भी है। मिनी साइज़ मैंने इसलिए बाय किया कि पहले मैं प्रोडक्ट को खुद देखना चाह रही थी कि वो किस टाइप की है, इसके रिजल्ट्स कैसे हैं, अगर ये हमारी स्किन को सूट करती है, प्रोडक्ट बहुत अच्छी है इसके अंदर, तो फिर हम इसको बड़ा वाला बाय करेंगे। लेकिन मिनी में यही आपको फ़ायदा हो जाता है कि पहले आप देख लेते हैं कि ये प्रोडक्ट आपकी स्किन के लिए सूटेबल है भी कि नहीं। अच्छा, इसमें इन्होंने ये एक फेशियल किट है और 10 स्टेप्स दिए हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैं 2 टाइम्स यूज़ कर चुकी हूँ पहले और मुझे इतने सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिले। मैं इसके साथ आपका ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूँगी और फिर आपकी अपनी चॉइस होगी वेदर यू वॉन्ट टू बाई इट और नॉट। जी, ये टोटली ऑर्गेनिक है, इसमें किसी किस्म का भी कोई भी पैराबिन वगैरह कुछ ऐसी नॉन ऑर्गेनिक चीज़ें ऐड नहीं है, ये क्लेम करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो इनका है ना, ये एक ऑयल क्लिनज़र है। अच्छा, इनकी ज़्यादातर जितनी भी प्रोडक्ट्स है इस फेशियल किट में वो ऑयल बेस है। अच्छा, ऑयल क्लिनज़र है, ऑयल की तरह आप अपने मतलब बिल्कुल ये इस तरह की इसकी ऑयल की तरह की कंसिस्टेंसी है। अपने फेस पे लगाएं, रब करें और अपना सारा सबसे पहले जो भी आपने मेकअप वगैरह किया है वो आप इससे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड, इसका मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप सारे दिखा देती हूँ। अच्छा, इसका है, ये भी एक क्लिनज़र है लेकिन ये ज़रा सा जेल फॉर्म में क्लिनज़र है। इसका कलर ऐसे डार्क ब्राउन सा है और ये पंप की तरह है। यहाँ से आप सेकेंड स्टेप में इसको ये ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्लिनज़र भी ठीक है, बस इसके इतनी अच्छा, जब हम कोई भी फेशियल किट यूज़ करते हैं तो अच्छा सा स्किन पे ग्लो आ जाता है, फेस फ्रेश हो जाता है। मुझे इस फेशियल किट को यूज़ करने के बाद इस तरह की कोई भी चीज़ फील नहीं हुई। 2 टाइम्स मैं इसको पहले यूज़ कर चुकी हूँ और फिर मैं अब इसका आपको रिव्यू दे रही हूँ। अच्छा, आप कोकोनट इसका फेशियल स्क्रब है, फेशियल स्क्रब कोकोनट है, इसमें कोकोनट का थोड़ा सा एसेंस भी ऐड किया हुआ इन्होंने। लेकिन जब आप इसको लगाते हैं ना तो ये फेस पे इतना हार्ड हो जाता है और ये इसको उस तरह जैसे आप कोई और अगर आप स्क्रब लेते हैं वो स्मूथली आपकी स्किन पे वर्क करता है, उस तरह नहीं, थोड़ा हार्ड सा ये है इसके। इसको मैं पानी लगा के यूज़ करती हूँ तो थोड़ा मेरी फिंगर इस पर अच्छी सी मूव होती है, अदरवाइज़ ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसके साथ। अच्छा, जो 4th स्टेप है वो इनका स्किन पॉलिश है जो 10 to 15 मिनट लगा के आप छोड़ सकते हैं। इस पर टर्मेरिक ऐड है, इसको यूज़ करने के बाद स्किन पे थोड़ा सा जो टर्मेरिक का इफेक्ट होता है हल्दी का वो रह जाता है, ठीक है। अच्छा, उसको अच्छा सा फेस वॉश करने के बाद हम फिर यहाँ पर इनका फेशियल मास्क है, रोज़ फेशियल मास्क। अच्छा, जो रोज़ फेशियल मास्क है ना इनका, ये मुझे अच्छा लगा है लेकिन ये जस्ट ऐसे है जैसे मुल्तानी मिट्टी में आपने रोज़ वाटर ऐड किया हुआ है और इसकी क्वांटिटी भी बहुत ही लेस है, आप 3-4 टाइम यूज़ करके तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अच्छा, एंड पे फिर इन्होंने यहाँ पे टोनर दिया हुआ है, टोनर अच्छा है, ये आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद इन्होंने ये ब्राइटनिंग सीरम दिया हुआ है, ब्राइटनिंग सीरम भी इतना इफेक्टिव नहीं है आपकी स्किन पे, इन्होंने इस पर क्लेम किया हुआ है कि ये टोन करता है स्किन को लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करता है ये। अच्छा, बहुत ही माइल्ड से इसके जितने भी चीज़ें हैं और वो उनकी इफेक्टिव इतने नहीं है। अगर आप बाय करना चाहते हैं 2000 जो है वो इतनी बड़ी प्राइस नहीं है इसके लिए, क्योंकि इसमें 10 स्टेप्स है, वो आप बाय करके कुछ चीज़ें इसमें बेहतर हैं और कुछ उस तरह हैं कि हम नहीं नेक्स्ट टाइम यूज़ करना चाहेंगे, ठीक है। और फिर एंड पे आप अगर अपने फेस पे फेशियल जेल को यूज़ करना चाहें तो इन्होंने यहाँ फेशियल जेल दिया हुआ रोज़, लेकिन बहुत ये जस्ट एलोवेरा टाइप है, लिमिटेड सी इसकी क्वांटिटी है। पैकेजिंग इनकी बहुत अच्छी है, या आई बाम इन्होंने दिया हुआ है, आई पे आप लगाएं, लेकिन अगर हम इफेक्टिवनेस की बात करें तो ये इतना इफेक्टिव नहीं है, किसी भी स्किन के लिए नहीं है। और ये लिप बाम एक दिया हुआ इन्होंने, अगर हम इनकी 10 प्रोडक्ट्स की बात करें तो कुछ चीज़ें लिप बाम अच्छा है इनका, पिंकी सा ग्लो आ जाता है आपके लिप्स पे, कुछ अच्छी हैं कुछ नहीं है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप अपने ओन पे इसको बाय कर सकते हैं। पैकेजिंग अच्छी है, विद इन 1 to 2 डेज ये आपको दे देते हैं, डीलिंग आपके साथ अच्छी करते हैं। और मैं नहीं कहती कि स्किन डीप की सारी ही प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी, लेकिन ये जो इनका मिनी फेशियल ट्रीटमेंट किट है ये उतना वर्थ बाइंग नहीं है जितना आप अपना मनी स्पेंड कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई बाय करना चाहता है तो 2000 रुपीज़ का ये बाय करके आप इसको देख सकते हैं। ओके जी, ये था मेरा इस बारे में रिव्यू। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।